प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 44 संस्थानों में रोजगार मेले के दौरान वर्चुअल माध्यम से 70,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र किए वितरित। केंद्र सरकार सहित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न विभागों में हुई ये भर्तियां। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश के जरिए गोवा में चल रही G20 ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक को किया संबोधित। वैश्विक स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए गोवा में हो रहा मंथन। महिला उत्पीड़न को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, राजस्थान के एक मंत्री ने राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर बात की तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया बर्खास्त। कहा, पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में महिलाओं पर हुए अत्याचार पर मूक दर्शक बना रहा विपक्ष। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 600 अरब डॉलर के पार पहुंचा, 15 महीने के उच्चतम स्तर पर दर्ज। लगातार तीसरे हफ्ते में देखी गई बढ़ोतरी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में अत्यधिक वर्षा होने की जताई संभावना। रायगढ़ में भूस्खलन के बाद NDRF का राहत अभियान जारी। मौसम विभाग का पालघर के लिए रेड, वहीं ठाणे, रायगढ़ व रत्नागिरी के लिए ऑरेंज अलर्ट। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ का दौरा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक में होंगे शामिल। बैठक में कई अन्य वरिष्ठ नेता व केंद्रीय मंत्री भी होंगे शामिल। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में पत्रकार सम्मेलन को किया संबोधित। देश में महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अत्याचार पर जताई चिंता। बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में बड़ी ऐसी घटनाओं के प्रति हमलावर होते हुए नजर आए मंत्री। 12 में आज से 24 जुलाई तक अंतर्राष्ट्रीय मंदिर महाकुंभ का किया जा रहा है आयोजन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। कार्यक्रम में विश्व भर में 35 मंदिरों के व्यवस्था प्रमुख समेत 450 प्रतिनिधि लेंगे भाग। अमरनाथ तीर्थ यात्रियों का एक और जत्था आज जम्मू के पंथा चौक बेस कैंप से रवाना। 1 जुलाई से शुरू हुई 62 दिवसीय पवित्र अमरनाथ यात्रा 31 अगस्त को होगी संपन्न। कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सेमीफाइनल मुकाबला। इस जोड़ी का अंतिम 4 में चीन की जोड़ी से होगा सामना।